नमस्कार, आज हम बात करेंगे यूट्राइन कैंसर या बच्चेदानी के कैंसर के बारे में। जो बच्चेदानी का कैंसर है वह एक बढ़ती उम्र का रोग है, 50 साल की अवस्था से ज़्यादा देखा जाता है। यह उन महिलाओं में होता है जिनमें मोटापा हो या फिर कुछ तरह के हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो, बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो, जैसे कि जिसमें ज़्यादा इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर होता है, ऐसी महिलाओं में यह कैंसर ज़्यादा देखा जाता है। इस कैंसर की वजह से जो सिम्टम्स हैं, जो चिन्ह हैं, वह यह है कि ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, महीने के रास्ते से ब्लीडिंग आने लगती है। स्पेशली अगर आपको मेनोपॉज हो चुका है या रजनोवृत्ति हो गई है और उसके बाद अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तब यह एक साइन हो सकता है कि यूट्रस का कैंसर है। यूट्रस का कैंसर जो है वो अधिकांश महिलाओं में, जब ये यूट्रस में ही सीमित होता है, यानी कि जब अर्ली स्टेज का हो, तभी पकड़ में आ जाता है। कैंसर के बारे में लोगों को डर लगता है कि बीमारी अगर शरीर में फैल गई होगी तभी पकड़ में आती है। यूट्राइन कैंसर एक ऐसा कैंसर नहीं है, या जब थोड़ी सी बीमारी हो, यूट्रस में ही हो, तभी पता चल जाती है और इसका ऑपरेशन से इलाज बिल्कुल हो जाता है। तो अगर कोई भी महिला ऐसी है जिनको कि ऐसी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको देर नहीं करनी चाहिए और डॉक्टर के पास जाके जांचें करवानी चाहिए, ताकि समय रहते उनका इलाज हो जाए और वो स्वस्थ रहें। नमस्कार।